सबसे पहले जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि एनसीसी के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो एनसीसी तो आर्मर्ड फोर्सेस की अगर आप ज्वाइन जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। बहुत दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, सब जगह कमेंट आ रहे थे कि सर एनसीसी के बारे में कुछ बता दीजिए और क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बाद हम बिना रिटर्न के आर्मी ज्वाइन कर सकें और हमको एडवांटेज मिले, कोई हाइट की भी छूट मिल जाती है बहुत सारे लोगों को। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है बिकॉज हमारे पास कुछ कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि इनके अंदर क्या चेंजेस आए एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। आप लोग कौन से ईयर चल रहे हैं? फर्स्ट ईयर है, तो इन्होंने शायद फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया अभी लगभग 4-5 महीने लोगों में, दो तीन महीने। फिर भी इनके अंदर क्या चेंजेस आए इनसे बात करेंगे, सबसे पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जय हिंद। गुड, तो हमारे चार कैडेट खड़े हुए फर्स्ट ईयर के हैं, तो सबसे पहले ये बात करते हैं इनका चल रहा होगा शायद बी सर्टिफिकेट चल रहा है, कॉलेज में बी सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट चल रहा है। यस सर। गुड, तो सबसे पहले ये बताओ आपका एनसीसी में जब चयन हुआ था तो आपके कॉलेज में ही एनसीसी है तभी आपको एनसीसी मिली है ना? यस सर। जिस कॉलेज में एनसीसी होती है उसी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है तो आपको एनसीसी मिलती है, और अदरवाइज आप ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे एनसीसी नहीं है तो आपको यूनिट में जाके बात करनी पड़ती है, यूनिट के एसएम से या फिर कमांडिंग ऑफिसर से, तो उनसे जाके बात करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं तो जाके वो आपका एनसीसी दे देते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एनसीसी दूसरे कॉलेज से मिले, ठीक है। तो ये पहली चीज तो ये, एनसीसी का 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, ठीक है। ए सर्टिफिकेट जो होता है स्कूल टाइम पे होता है और उसके जो कैडेट कहलाते हैं जेडी और जेडब्ल्यू, मतलब जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग, जूनियर विंग में आती है गर्ल्स, ठीक है। दूसरे जो कैडेट होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनका होता है बी सर्टिफिकेट, जब एडमिशन होता है तो उनका बी सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाता है, तो बी सर्टिफिकेट रहता है 2 साल का, है कि नहीं? यस सर। बी सर्टिफिकेट 2 साल का होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, क्योंकि जो एजुकेशन जो ग्रेजुएशन करते हैं वो ज्यादातर कोर्स 3 साल के ही होते हैं सारे, तो जो एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल बाद मिलता है। तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 2 साल में आपका बी सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है और सी सर्टिफिकेट थर्ड ईयर में, जो लोग बी सर्टिफिकेट क्रॉस करके जाते हैं वो लोग थर्ड ईयर में सी सर्टिफिकेट करते हैं, ठीक है। तो ए सर्टिफिकेट के आपको आर्मर्ड फोर्सेस में कितने नंबर मिलते हैं? दो नंबर। कितने नंबर मिलते हैं आपको पता है? ठीक है, तो 5 नंबर मिलते हैं, पांच नंबर की छूट मिलती है आपको ए सर्टिफिकेट आपके पास है, और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, 10 नंबर आपको बोनस के अंक मिलते हैं। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, सी सर्टिफिकेट में भी क्राइटेरिया है कि आपकी अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग होनी चाहिए, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो अगर आपका सी सर्टिफिकेट आपने कर रखा है एनसीसी का, आपके सी सर्टिफिकेट में जो एनसीसी का एग्जाम होता है उसमें अगर आपकी अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग है तब आपका रिटर्न माफ हो जाता है दोस्तों, आपको रिटर्न नहीं देना होता है, सिर्फ फिजिकल देना होता है, ठीक है। और कभी कभी आर्मी भर्तियों में ऐसा भी होता है कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको उठा के अलग बिठा दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है जब रैली में बच्चे खड़े होते हैं, अगर कोई सिंसियर वहां के जो कमांडिंग अफसर है एडम है जो भी भर्ती करवा रहे हैं, ठीक है, जो भर्ती में जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो अगर थोड़े बहुत होते हैं अच्छे तो वो क्या बोलते हैं सीधा आके, स्पोर्ट्स वाले कितने बच्चों बैठे हुए हैं उठ के दूसरी जगह बैठ जाओ, एनसीसी कैडेट कितने बैठे हुए हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट रखा है उठ के दूसरी जगह बैठ जाओ, तो वो दूसरी जगह बैठते हैं, उनका एक अलग तरह से एडवांटेज दिया जाता है फिजिकल में भी, ठीक है। और एक एनसीसी कैडेट जो होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक कैडेट कहते हैं कि सेकेंड डिफेंस लाइन ऑफ आर्मी, ये बोला था ना, क्योंकि दूसरी पंक्ति बोला जाता है एनसीसी कैडेट को, भारतीय सेना की दूसरी पंक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि इनकी जो ट्रेवल उम्दा लेवल की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन ट्रेनिंग, उसका ड्रिल टेस्ट, उनके बाद इनका पीटी अलग लेवल का होता है, इनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है दोस्तों। एक बार यूनिफॉर्म पे इन्होंने पहन ली, डीएमएस अगर इन्होंने डाल दिए तो ये बाकी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से अलग हो जाते हैं। ये एडवांटेज की बात तो अलग है, मैं जो आप बता रहा हूँ नंबर जो आपको दिए जाते हैं वो अलग है, यहाँ आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, एक फौजी जीवन में आप आ जाते हो, एक फौजी तरह से दिनचर्या आपकी हो जाती है, उठना बैठना जागना, और उसके बाद जब आप कैंप करते हो, बहुत सारे कैंप होते हैं, सीएटीसी कैंप होता है, ये कंपलसरी होता है ज्यादातर कैडेट्स को करना, ये 10 दिन का होता है लगभग, ठीक है। तो एक एनसीसी कैडेट को कम से कम जब बी का एग्जाम दे रहा हो तो 2 सीएटीसी कैंप करने होते हैं, है ना, एटीसी रहता है, सीएटीसी रहता है, तो ये कैंप करने होते हैं, बिकॉज ऑफ इसके अलावा अगर नहीं करते तो उनको एग्जाम में बैठने नहीं देता है। और उसके बाद बहुत सारे कैंप है, टीएससी का है, आरडीसी का है, आर्मी अटैचमेंट है, फिर उसके बाद एनआईसी है, बहुत सारे अलग अलग कैंपेन होते हैं, तो इनको अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि एनसीसी में होता क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, ये मैंने अलग वीडियो में पहले बता रखा था, और बाकी किसी का भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमारे कैडेट नाम भी बता देंगे, आप नाम बताइए। कैडेट
कैडेट वेस्ट। चलिए अपन एंटर दीजिए। जैन सर, कैडेट मनोज चौहान। गुड। कैडेट अभिराज सिंह मधुरिया। गुड। कैडेट पीयूष जगताप। कैडेट रंजीत ओके। तो ये हमारे कैडेट से, और आपकी यूनिट क्या है? 2MP आर्मर्ड स्क्वाड एनसीसी के हैं, और ये हमारे इंदौर के हैं, और ये हमारे सर के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड पे भी आए थे, इनका ड्रिल टेस्ट होना है आज, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे कैडेट्स को देख करके, क्योंकि मुझे अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ याद आ गई। मैंने इनको यूनिफॉर्म में देखा तो बिल्कुल ऐसे सज धज के निकलते थे हम भी, और बहुत ही शान की बात होती है जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हो तो मतलब एक अलग ही हो जाता है। मैंने एक बार यूनिफॉर्म के ऊपर एक मैंने स्पीच दी थी, तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि सर जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहन के जब मिरर के सामने खड़ा हुआ था, तो ना एक अलग सा मोटिवेशन था और एक अलग सा जोश था, जुनून था, एक अलग लेवल का एटीट्यूड था उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक हम एक शेर की तरह, एक शेर की तरह फीलिंग आ रही थी। तो आप लोग अगर पहनते हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी होती है, उसके कुछ रूल भी होते हैं, वो आपको बता दिए जाते हैं जब आप यूनिट में आते हो। यूनिट के जो PI स्टाफ होते हैं, जो आप लोगों के गुरु लोग होते हैं, वो आपको ज्ञान पहले दे देते हैं, आपको बता देते हैं, सारी चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। एक बार NCC कैडेट के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों और भाइयों को शेयर कीजिए ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।